लास्ट वीडियो में आपने सीखा था अबाउट अस सेक्शन बनाना और सर्विसेज का सेक्शन बनाना, और मैंने आपको बताया था कि आप एनिमेशंस किस तरह ऐड कर सकते हैं, और हमने डिफरेंट स्टाइलिंग के ऑप्शंस देखे थे, बटन की एनिमेशंस वगैरह, या फिर कॉपी पेस्ट का मैंने आपको बताया था, पेस्ट स्टाइलिंग का बताया था कि आप स्टाइलिंग को किस तरह पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे कि अगर आपने ये वाले सेक्शंस जो हैं, फॉर एग्जांपल अबाउट अस का हो गया, या फिर कॉन्टैक्ट अस का हो गया, FAQ का हो गया, तो इन सेक्शंस को आप क्विकली किस तरह बना सकते हैं। और आपने सिंपली अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करना है, और उसके बाद यहाँ पे प्लगइन्स में जाना है। ठीक है, प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी फंक्शनैलिटी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लगइन के थ्रू करेंगे। कोई भी अगर हम प्लगइन ऐड करें तो हमारी वेबसाइट में वो फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हेल्थ चेक एंड ट्रबल शूटिंग का प्लगइन है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट में जो इश्यूज़ वगैरह होंगे ये उनको डिटेक्ट करेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लगइन्स का मकसद होता है कि डिफरेंट फंक्शनैलिटी ऐड करना वेबसाइट में। अब यहाँ पर एक प्लगइन मैं सर्च करता हूँ, एनवाटो। ठीक है, अब एनवाटो का प्लगइन एक हमारे पास ये है, एनवाटो एलिमेंट्स फोटोज़ एंड एलिमेंटर टेम्पलेट्स। ठीक है, एक प्लगइन ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर एक और भी प्लगइन हम यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टर टेम्पलेट। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एलिमेंटर किट्स के नाम से भी एक प्लगइन आता है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इनमें से कोई भी प्लगइन यूज़ करें, ठीक है। अब इसमें हम हर प्लगइन तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये प्लगइन यूज़ करके हम लोग टेम्पलेट्स जल्दी बना सकते हैं। इस केस में हम एनवाटो यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका मैं आपको बताता हूँ। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टर टेम्पलेट्स, और भी आप गूगल अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो एनवाटो टेम्पलेट्स को सिंपली हम इंस्टॉल नाउ करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा, हमारी वेबसाइट में यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आप इसको डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पे आपको इनवाटो का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये एलिमेंट्स का एक नया ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो हमने एक पेज बनाया था, आप एलिमेंटर का एडिटर ओपन करें। अब जब आपके पास एलिमेंटर का एडिटर ओपन हो गया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन बनाएं एंड पे। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन डिस्प्ले हो गया, जहाँ से हम न्यू सेक्शंस क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक एनवाटो का एक सेक्शन शो हो रहा है। ठीक है, सिंपली अगर हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पर डिफरेंट टैब्स मुझे दिखाएगा, प्रीमियम किट्स, फ्री किट्स या फ्री ब्लॉग्स। तो अगर मैं फ्री किट्स को क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ वो लेआउट्स दिखा देगा, ठीक है, जो ऑलरेडी बने हुए हैं। फ्री ब्लॉग्स को क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि आपको कौन सा ब्लॉग चाहिए। ठीक है, मैं इसमें कहता हूँ कि मुझे कॉन्टैक्ट का ब्लॉग चाहिए, मैं कॉन्टैक्ट को क्लिक करूंगा, यहाँ पे वो मुझे मल्टीपल डिज़ाइन दिखाएगा। ठीक है, अब सिंपली मैंने क्या करना है कि मुझे लेट से ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ये जो सेकेंड नंबर पर, मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट टेम्पलेट को क्लिक करूँगा तो वो इसको इम्पोर्ट करेगा, और ये विद इन सेकेंड्स में जो है इम्पोर्ट हो जाएगा। अब देखें, ये हमें बनाने में टाइम नहीं लगा, ये ऑलरेडी कंप्लीट सेक्शन हमें इसने बनाकर दे दिया, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्म लगा हुआ था, फॉर्म के लिए वो कह रहा है आप एलिमेंटर प्रो यूज़ करें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने आपको बताया है एनवाटो, इस प्लगइन के ज़रिए आप रेडीमेड टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपली मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे किसी को क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है वो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, मुझे ये सारा लेआउट बनाना नहीं पड़ेगा। देखें, बैकग्राउंड पे एक इमेज भी ऐड हो गई है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक नया सेक्शन बनाना चाहता हूँ इन सर्विसेज और कॉन्टैक्टर्स के दरमियान में, मैं प्लस का साइन क्लिक करूँगा और यहाँ पे इनवाटो को क्लिक करेंगे और फ्री ब्लॉग्स को क्लिक करूँगा, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे FAQ का सेक्शन आ जाए। ठीक है, FAQ को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं FAQ को, आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लेट से मैं इस वेबसाइट के लिए ये जो हमारे पास सेकेंड वाला है टू कॉलम्स, इसको मैं इंसर्ट टेम्पलेट कर देता हूँ, तो क्या होगा कि विद इन अ सेकेंड ये FAQ का सेक्शन हमारी वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। अब ये सेक्शंस को आप इजीली एडिट कर सकते हैं, आप इनको क्लिक करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे शो होंगी। आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं। जब भी कोई किसी को क्लिक करेगा तो एक हमारे पास टॉगल ओपन हो जाएगा और FAQ का सेक्शन ये इजीली बन गया। अगर आप चाहते हैं कि हमें बैकग्राउंड पे इमेज चेंज करना चाहता हूँ तो आप सेक्शन लेवल पर आएंगे और स्टाइल में जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो इमेज लगी हुई है आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने ओवरले में जाऊँगा तो यहाँ पे उन्होंने एक वाइट ओवरले ऐड की हुई है, आप देखें इसकी ओपेसिटी उन्होंने 0.9 रखी हुई है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रेडीमेड सेक्शंस हैं, आप इनको इंपोर्ट करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं।
तो इस तरह ना सिर्फ आप सेक्शंस, आप एक पूरा का पूरा पेज भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। हम इस प्लस को क्लिक करेंगे, इनवाटो में जाएंगे, और ये फ्री ब्लॉक्स पे हम यूज़ कर रहे थे पहले, ठीक है। मल्टीपल सेक्शंस यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। आप जैसे कि हीरो सेक्शन को मैंने बताया था, मेन बैनर, ये उसके आपको कुछ यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाएंगे जो कि वेबसाइट के टॉप का एक सेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद ये फ्री किट्स को अगर हम क्लिक करो तो फ्री किट्स में यहाँ पे मुझे कंप्लीट पेजेस वो यहाँ पे जनरेट कर देगा, ठीक है। आप एलिमेंटर किट यूज़ करें, स्टार्टर टेम्पलेट यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी। इस तरह के और भी काफ़ी प्लगइन्स हैं। स्टार्टर टेम्पलेट्स भी आप यूज़ करेंगे तो आपको रेडीमेड सेक्शंस मिल जाएंगे। अब सिंपली मैं इसको अपडेट करूँगा तो हमारी वेबसाइट पे ये जो सेक्शंस हैं वो अपडेट हो गए। पेज रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि हमारा मेन बैनर आ गया, और उसके बाद अबाउट अस का सेक्शन, उसके बाद सर्विसेज का सेक्शन, उसके बाद FAQs, और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस। अब देखें एनिमेशंस भी उन्होंने खुद ही ऐड किए हुए हैं। तो इस तरह ये आप देखेंगे कि विद इन फ्यू मिनट्स हमने ये दो सेक्शंस कंप्लीट बना लिए। आपने सिंपली अब कंटेंट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, और कलर्स चेंज करने हैं। बाकी जो कॉलम्स बनाने थे, लेआउट बनाने थे, और डिफरेंट स्टाइलिंग करनी थी, वो ऑलरेडी हमारे रेडीमेड टेम्पलेट्स में ऑलरेडी हो चुकी है। तो सिंपली आप इस तरह के प्लगइन्स यूज़ करके एक पेज का लेआउट जो है वो जल्दी बना सकते हैं।